नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्का एकेडमी में। मैं हूं रजनीश। देखिए, रीजनिंग के सीरीज में हम वैसे प्रश्नों को लेकर आते हैं जो या तो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्न हैं या फिर जिनका लेवल ये पूछे गए प्रश्नों के समदृश होता है, जैसा होता है। हम अपने प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्न लेकर के आते हैं और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस सीरीज में हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें ये जो संख्या है यहाँ पे, इस संख्या को हमें फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, हम ये संख्या कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ये पूरे इन सभी में कौन सा नंबर हाईएस्ट नंबर है, तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे हाईएस्ट नंबर हैं, ठीक है। और वैसे भी जिस रो में हमें नंबर फाइंड आउट करना है, उस रो के नंबर का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बाकी दिए गए उसके नंबर सेम कॉलम के नंबर से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 51 है। इस कॉलम की बात करेंगे अभी। इस कॉलम में क्या है, 6 है 8 है 3 है 51 है। मतलब हमें ये जो 6 8 3 के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप निकालना है जिस फंक्शन से, जिस रूल से, ठीक है, ये 51 प्राप्त हो रहा है। सेम चीज यहाँ भी वो चीज करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये 6 है ये 8 है, ठीक है। तो हमें 51 लेकर के आना है। कैसे लेकर आएंगे, 6 into 8 क्या होता है, 6 into 8 क्या हो जाएगा, 6 into 8 हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा, 48, राइट। अच्छा, 48 plus 3 क्या होता है, 48 plus 3 हो जाएगा आपका 51, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर समझ गए तो बहुत आसान है। और यहाँ क्लियर है, ये 48 plus 3 51 और ये 51 यहाँ पे है। चलिए, यहाँ तो एक रूल निकला है, क्या ये सेम रूल यहाँ पे फॉलो होता है? देखें, 15 into 4 क्या होगा, 15 into 4 क्या होगा, 60 होगा। चलिए, हमने 60 लिख दिया, चलिए ठीक है। अच्छा, 60 plus 5 क्या होगा, 60 plus 5, यहाँ भी तो वही क्या था ना, हमने 48 plus 3, यहाँ पे 60 plus 5 क्या हो जाता है, 65। चलिए, ये हो गया, राइट, 65 आ गया। ये मतलब एक हमारा रूल, एक फंक्शन हमारा यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया कि भैया ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर में जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। और सेम रूल यहाँ अप्लाई है, इस नंबर को हमने 15 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया, 60 में प्लस 5 जोड़ा, 65 आ गया। मतलब ये जो सेम रूल है वो यहाँ भी अप्लाई होगा, सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 cross 5 क्या हो जाएगा, 20 multiply by 5 100 हो गया जी। चलिए ठीक है। अच्छा, 100 और ये 20 है, तो अब ये तो ऐड होना ना है, 100 plus 120 क्या हो गया, 120 आ गया, तो हमारा 120 आंसर हो गया। ये सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट से चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस तरह के प्रश्न हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं है कि अब क्या करें इसमें, ये तो 51 है, सबसे हाईएस्ट है, बाकी सब तो छोटे छोटे नंबर्स हैं। नहीं, अरे उनसे ही कुछ रूल, कुछ फंक्शंस, ऐसा रूल होगा, ऐसे फंक्शंस को फॉलो करते होंगे जिससे ये 51 आया है। तो हमें वही रूल, वही फंक्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है और उसी को अप्लाई कर देना है जहाँ पे अननोन टर्म है। तो हमने वही क्या, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 है 8 है मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया, ठीक है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया, 48 को 3 में जोड़ दिया तो 51 आ गया, ये वाला डिजिट, राइट। अच्छा, यहाँ भी सेम चीज किया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 60 को 5 से जोड़ दिया तो हमें 65 मिल गया, ठीक है, ये वाला नंबर। तो क्या देख रहे हैं, इस कॉलम में और इस कॉलम में
सेम फंक्शन है, सेम रूल है, ठीक है, कि ऊपर वाला ये इससे मल्टीप्लाई होता है और इससे एडिशन होता है, तो ये लास्ट वाला नंबर हमें मिल रहा है। इसमें भी सेम हुआ, इसमें भी सेम हुआ, तो इसमें भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा निकल गया, 120, 20 क्रॉस 5, 100, 100 प्लस 20, 120। तो हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, हमारा सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। श्रृंखला है 3, 11, 23, 39, 59। हमें अगली श्रृंखला को फाइंड आउट करना है, इसके आगे क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। श्रृंखला क्या है, 3 है, 11 है, ठीक है, 23 है, 23 है, 39 है और 59 है, राइट। अगला टर्म हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, ये 33 है और ये 11 है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये डिफरेंस कितने का हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 8 का। चलिए ठीक है, ये 11 है, ये 23 है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है 12 का, ठीक है। 11 है, सॉरी, ये 23 है और ये 39 है, तो 23 और 39, 39 से 23 जाएगा, कितने का डिफरेंस निकल गया, 16 आ गया, राइट। 39 और 59 ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 20, राइट, ये 2 है, 20। तो यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि 8 से 12 का कितने का डिफरेंस है, 4 का। अच्छा, 12 से 16 का कितने का डिफरेंस है, 4 का। 16 से 20 का कितने का डिफरेंस है, 4 का, राइट। तो एक रूल आ गया इस स्टेप पे। सीरीज के प्रॉब्लम में हम लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, सीरीज के प्रॉब्लम में हम लोग ऐसे ही तो करते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, एक रूल आ गया कि भैया 4 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये भी कितने से आगे बढ़ेगा, 4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलिए ये देखिए, ये 24 हो गया, यहाँ क्या देख रहे हैं, 39 है, ये क्या है, 20 है, ये क्या हो गया, 59 हो गया। आइए यहाँ से देखते हैं, ये 3 है, ये 8 है, 11 हो गया, 11 है, 12 है, 12 है, क्या हो गया, 23 हो गया, 23 है, 16 है, क्या हो गया, 39 हो गया, 39 है, 20 है, 59 हो गया, 59 है, और ये 24 में ऐड होगा तो क्या देगा, 94 क्या होता है, 13, ठीक है, एंड 5, 2, 7 और 1, 8, तो 83 हमारा अगला जो हमारा टर्म होगा क्या होगा, 83। ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए प्रश्न संख्या 3 कहता है, अनिल ने अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की है, वह वापस घुमा और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की जाए और घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर दूरी तय किया, उसके घर से कार्यालय की सूची सीधी दूरी कितनी है, सॉरी यहाँ पे है कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है। तो कहता है अनिल अपने घर से पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। देखिए डायरेक्शंस वाला आपको ध्यान है ना, देखिए ऐसे होता है, ठीक है, इधर क्या, इधर नॉर्थ, ठीक है, इधर हमेशा नॉर्थ लेते हैं, इधर हम लोग ईस्ट लेते हैं, ठीक है, इधर ये क्या हो गया, साउथ, और ये क्या हो गया आपका, वेस्ट, ठीक है। तो कहते हैं कि 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद किधर, पूर्व के डायरेक्शंस में। तो चलिए भैया ये 6 किलोमीटर इधर पूर्व के डायरेक्शन में घर से चल गया, ये कोई पॉइंट हो गया अपना ओ, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, यहाँ से ये 6 किलोमीटर इधर चल गया। 6 किलोमीटर इधर चलने के बाद उसको ये आभास होता है कि उसका डायरेक्शन गलत था, वो सीधे पश्चिम के डायरेक्शन में चलता है, मतलब इधर पूरब था, पूरब में यहाँ पे पहुंच गया,
सीधे पश्चिम के डायरेक्शन में 12 किलोमीटर चलता है, मतलब 6 किलोमीटर फिर वापस यहीं पहुंच गया जी, और फिर आगे जो है ये 6 किलोमीटर चला, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन मानिएगा, इसको स्ट्रेट लाइन माना जाए, ठीक है ना। तो ये जो है इसको इरेज कर देता हूं, एक मिनट फिर से ड्रॉ कर देता हूं। स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन जैसा ही माना जाए, ठीक है। चलिए मोटा मोटी हो गया। तो ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था, वापस 12 किलोमीटर चलता है, तो ओ पॉइंट पे पहुंचने में इसका वापस 6 किलोमीटर निकल जाता है। आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं ना, इससे बेस्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, सीधे 180 डिग्री से मुड़ेगा, ठीक है, सीधे अपोजिट डायरेक्शन में गया तो वापस अपने ऑरिजिन पॉइंट पे पहुंचा। और यहां से भी चूंकि 12 किलोमीटर पश्चिम के डायरेक्शन में यहां से ये दूरी तय कर रहा है, यहां से 6 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर यहां से 12 किलोमीटर पीछे गया, मतलब 6 किलोमीटर तक का सफर तो यहीं तक कर लिया ना, ठीक है। और आगे कहां तक गया, 6 किलोमीटर तक, इसको कोई पॉइंट ए मानते हैं भैया, यहां तक ये 6 किलोमीटर तय कर लिया, ठीक है। अभी क्या कहता है, और घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। अभी ये घूमा, मान लीजिए ऐसा घूम करके ये जो है, ठीक है, इसको 90 से मानिएगा, ठीक है, ये 8 किलोमीटर ऐसा इधर से घूमा ये, ठीक है, 8 किलोमीटर ऐसे घूम करके अपना ऑफिस पहुंचा यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके घर से, इस ओ पॉइंट से इस बी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट सीधे डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो है ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो क्या होगा, ये 6 है ना और ये 8 है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ भी हमें निकालना है, ओ भी निकालना है। ओ भी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, ओ भी बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, राइट। हमारा ए बी क्या है, हमारा ए बी क्या है, ए बी हमारा है, ए बी हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है हमारा, 6 है, 6 का स्क्वायर। अच्छा मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 0 10, मतलब घर से सीधे ऑफिस की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही हो गया हमारा, ठीक है ना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो हमें ऐसे प्रश्न में ये करना होता है कि हम एक डायग्राम बना ले। अगर हमारा डायग्राम सही बन गया तो हमारा प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, मतलब क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने वही कर दिया भैया, वो भी क्या है, यहाँ पे कर्ण है, वो भी इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए बी का, ए बी क्या मुझे ज्ञात है, 8 किलोमीटर है, 8 का स्क्वायर हो गया, ओ ए क्या है आपका, 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया, तो क्या निकल गया, 64 प्लस 36, ये क्या निकल गया यहाँ पे, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, ठीक है। तो हमारा 10 आंसर हो गया, मतलब
मतलब इस बंदे का घर से ऑफिस सीधी दूरी पे कितने दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, बेन आरेख का प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए बेन आरेख का प्रॉब्लम्स को समझेंगे हम। ठीक है, इसमें हमें हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप को हमें दर्शाना होगा। ठीक है, कहता है नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बताएं। घोड़ा बंदर बाघ, घोड़ा बंदर बाघ। तो बेन आरेख बताने के लिए कैसे बताएंगे बेन आरेख, रिलेशनशिप निर्धारित करके बताएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर जाते हैं कि भैया बंदर क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन, घोड़ा, उससे बड़ा कौन, बाघ। ठीक है, तो नॉर्मली वो साइज के अनुसार ऐसा कर लेते हैं कि चलो भैया इस बंदर सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन, घोड़ा, उससे बड़ा कौन, बाघ। ठीक है, तो ये क्या सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपने बेन आरेख खींचना है, बेन आरेख खींचने के लिए परफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है, परफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है। घोड़ा बंदर बाघ में क्या कोई रिलेशनशिप आपको दिखता है, क्या कोई रिलेशनशिप दिखता है क्या? ठीक है, मुझे तो नहीं दिखता, कोई रिलेशनशिप नहीं दिखता, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बंदर अलग, घोड़ा अलग और बाघ अलग। ठीक है, साइज के अनुसार कभी भी मत जाइएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, सीधे सीधे देखिए कि क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या, क्या कोई रिलेशन बन रहा है क्या। ठीक है, तो रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सारा अलग अलग होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा तीनों के बीच। ठीक है ना, बाघ की अलग कहानी, घोड़े की अलग कहानी और बंदर की अलग कहानी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देना है बेन आरेख का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेशन घोड़े बंदर बाघ के बीच नहीं बन रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए देखिए बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है। कहता है कुत्ता पीला, घोड़ा का क्या। ठीक है, अभी देखें क्या होगा। कुत्ता पीला मतलब क्या, पीला क्या होता है, कुत्ते का बच्चा होता है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप निकल गया भैया, कुत्ते का बच्चा क्या होता है, पिल्ला होता है। तो यहाँ भी सेम रिलेशन बनाना है हमें, घोड़े का बच्चा कौन है, इन चारों में से फाइंड करो, मेमना है क्या, नहीं है, मेमना कैसे हो सकता है, शिमला है क्या, शिमला कैसे हो सकता है, अच्छा बछड़ा है क्या, बछड़ा क्या होता है, गाय का बच्चा, क्या होगा, नहीं होगा साहब, अरे पिल्ला है, कुत्ते का बच्चा है, तो घोड़ा का बच्चा बछड़ा कैसे होगा, बछेड़ा है क्या, बछेड़ा होगा, ये सही है, ऑप्शन डी सही है। अभी देखिए, अभी काफी लोगों को ये पता नहीं है, बछेड़ा का मतलब वो बछड़ा समझ जाते हैं, बछड़ा समझ जाते हैं बछेड़ा का मतलब क्या होता है, बछेड़ा क्या होता है, घोड़े के बच्चे को बछेड़ा बोला जाता है, गाय के बच्चे को जैसे बछड़ा बोला जाता है, वैसे ही घोड़ा के बच्चे को क्या बोला जाता है, बछेड़ा बोला जाता है। तो यहाँ चूंकि कुत्ता का बच्चा क्या था, पिल्ला था, तो घोड़ा का बच्चा क्या हो गया, बछेड़ा हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। इस चीज का ध्यान करेंगे गाय का बच्चा बछड़ा और घोड़ा का बच्चा बछेड़ा। ठीक है, चलिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन आपको ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहें। धन्यवाद।